हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप सब कैसे हैं दोस्तों? फिर मैं एक न्यू वीडियो के साथ। स्टूडेंट पुराने हैं, आज इनका लास्ट डे है ड्राइविंग का, और काफ़ी अच्छा चला रहे हैं, काफ़ी हद तक सीख गई हैं। जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, जैसे कि बम्पर टू बम्पर रोकना, बढ़ाना, गाड़ी को रोकना, कम जगह में गाड़ी को वापस से टर्न करना और पार्किंग करना, ये सारी चीज़ें मैं आज बताऊंगा इनको। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। क्या नाम है आपका? मुस्कान मिश्रा। कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते? लास्ट डे है। ओके, क्या क्या सीखा अभी तक आपने? अभी तक बहुत कुछ सीखा है, मतलब कैसे चलाते हैं, कैसे रोकते हैं। कौन कौन से गियर में अभी तक आपने कार चलाई है? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। रिवर्स? रिवर्स में भी चलाई है। रिवर्स में भी चलाई है। तो आज क्या करने वाले हैं हम लोग? सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लिया, सीट एडजस्ट कर ली। अब क्या करना है? स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? क्लच दबाएंगे। स्टीयरिंग लेफ्ट वाला हैंड कहाँ है आपका? चलो इंजन ऑन करो। गुड। और राइट साइड का साइड वाला एक सिग्नल दो। हाँ, और शीशे सेट है, दिख रहा है आपको? प्रॉपर दिख रहा है। चलो धीरे धीरे बढ़ाना है, देख के शीशे में। हाँ, बच्चे हैं, थोड़ा सा ध्यान से जाने दो। गुड। एकदम ध्यान से। गुड। सिग्नल दिया आपने? गुड। क्योंकि सिग्नल टर्निंग पे देना, उसके बाद ऑटो कट हो जाता है, ठीक है? शूज आपके ऊपर नहीं जाने चाहिए, ठीक है? वेरी गुड। स्टीयरिंग सही से पकड़ना, स्पीड पे ध्यान नहीं देना है आज। आज बहुत प्यार से चलाना, धीरे धीरे गाड़ी। दोस्तों, आप दौड़ाते थे, आज दौड़ाना नहीं है, आज चीज़ों को समझना है, सीखना है, ठीक है? आराम से साइड मिरर में फोकस रखना, लेफ्ट में ट्रैक्टर है, ध्यान रखना। गुड। जब भी कोई गाड़ी आए, हॉर्न दे, सबसे पहले आपकी नज़र जो है कहाँ जानी चाहिए? कौन से शीशे में? साइड मिरर में, ठीक है? और ये लुकिंग ग्लास में, ताकि हमको ये शोर हो जाए कि हमारे अगल बगल कौन चल रहा है। वैसे तो आप बहुत अच्छा चला रही हो, डायरेक्टली बहराइच पहुँच सकते हो इससे, गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर गाड़ी आपको दे दी जाए तो पहुँच जाओगे? कितने लोगों को बोनेट पर बैठाओगे? किसी को नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चला लोगे। अभी क्या है ना, कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्टूडेंट के साथ, मैं जब भी उसको गाइड करता हूँ, ड्राइविंग सिखाता हूँ जब भी, तो होता है क्या है कि 50% स्टूडेंट मेरे पर डिपेंड रहता है, ठीक है? 50% उसका माइंड होता है। जब वो अकेले चलाता है तो 100% उसको फोकस करना होता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, कि जब आपको सारी चीज़ें खुद डिसाइड करनी है कि मुझे कहाँ जाना है, कब सिग्नल देना है, कब हॉर्न देना है, कब ब्रेक, तो वहाँ पर और अच्छी ड्राइविंग हो पाती है। अक्सर मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जब मेरे साथ होता है, मैं उसको गाइड करता हूँ, बताता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ये होती है कि वो नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि वो मेरे ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है कि जब वो अकेले चलाने लगता है तो उसके बाद वो बहुत आसानी से चीज़ों को ऑपरेट कर पाता है, क्योंकि हमको जब पहले से पता होगा कि हमको जाना कहाँ है, तो हम बहुत पहले से प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है? आगे से हम लोग को लेफ्ट जाना है पिकनिक स्पॉट के लिए, वहाँ पे चल के मैं आपको रिवर्स कराऊँगा, पार्किंग कराऊँगा, बहुत सारी चीज़ें करानी है आज, ठीक है? एकदम कूल होके। हाँ, गियर चेंज करना है यहाँ पे एकदम स्लो करके। फर्स्ट गियर में ऑप्शन है स्पीड एकदम कम करके, स्पीड एकदम धीरे से। हाँ, और टर्न करो। हाँ, जितना स्लो करोगे उतना अच्छा है, छोड़ दो, धीरे धीरे बढ़ा लो। गुड, बहुत बढ़िया। एक्सेलेटर का जैसे कि कई बार क्या होता है ना, कि जैसे टर्निंग वगैरह आ जाती है, जैसे एकदम ये ब्लाइंड टर्न है, ठीक है? सामने से गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से आती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमको थोड़ा सा पहले से अलर्ट हो जाना है, स्लो करके एकदम। तेज़ में ऑप्शन नहीं है आपके पास, स्लो में ऑप्शन है। अगर आपने स्लो कर लिया है तो ऑप्शन है, फास्ट में क्या है, फिर तो लोग निपटते चले जाएंगे। स्लो, एकदम स्लो करके, एकदम स्लो, पहले गियर में कर लो, एकदम स्लो बेटा, और स्लो। बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही, हाँ, बस धीरे धीरे खिसकाते रहो, जाने दो, रोकना नहीं है, चलने दो धीरे धीरे। राइट रखो हल्का, इस पर पिलर में ना टकरा जाए, देख लो कितनी सटके निकली है। राइट रखो और राइट, हाँ, जाने दो धीरे धीरे, स्पीड बढ़ाओ, स्टीयरिंग सही से पकड़ो। हाँ, क्लच दबा के, आपने 12 o'clock पे स्टीयरिंग पकड़ी थी? नहीं पकड़ी, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया।
ध्यान से एकदम, दौड़ाना नहीं है मुस्कान, ठीक है, सीखना है, समझना है। हाँ चलो गुड, अब तो अंदाजा हो ही गया है आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हॉर्न दो। गुड, इसीलिए हर 6 महीने पे मैं हॉर्न चेंज कराता हूँ। 6 महीने से ज़्यादा मेरी गाड़ी के हॉर्न नहीं चलते, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या बचता है, हॉर्न। हॉर्न जो गुस्सा निकालता है हॉर्न पे निकाल देता है, मुझे तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। अगर मैं किसी को डांटता भी हूँ तो गुस्सा हॉर्न पे निकालता है। आराम से स्लो स्लो करके एकदम, देखो इधर नीचे जो ये रोड का, कई बार क्या होता है ना कि ये रोड का जो किनारा होता है, जहाँ पे रोड टूटा होता है, जो रोड़े निकले होते हैं, अगर हम उस पर चढ़ाएंगे तो हमारी गाड़ी का टायर ख़राब हो जाएगा। तो कभी भी हम गाड़ी अगर नीचे उतारते हैं तो हमको चढ़ानी वहाँ से जहाँ से रोड सही हो। अगर गड्ढे हैं और रोड टूटा चढ़ाओगे तो टायर कट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। कार के साथ साथ हमको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है। स्पीड कम, देखो नीचे उतर गई फिर बेटा गाड़ी आपकी, ये ठीक है। शोले फिल्म देखी थी, उसमें पहिया निकल जाता है, लेकिन उसका आगे जाके पहिया वापस लग जाता है, पर इसमें नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। सीधा जाना है, अभी वहाँ पे रोकना है, मैं कुछ आपको कराऊंगा चीज़ों को स्लो करके। हाँ स्पीड कम करो और कम, यहीं पे देखो पीछे को याद तो नहीं रहा है आपके, पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक, स्टॉप करो, हाँ स्टॉप, बस गाड़ी नीचे मत उतारो, एक टायर हल्का सा उतर गया, चलो ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ पहले बता रहा हूँ, जैसे कि सपोज़ करो यहाँ से आपको वापस गाड़ी मोड़नी है वापस, तो उसके लिए क्या करना है, कम जगह में सबसे पहले तो सपोज़ करो देख लो किधर ज़्यादा जगह है, इस साइड है लेफ्ट साइड, तो पहले इसको न्यूट्रल करो सबसे पहले, ठीक है, समझ लो आगे रास्ता बंद है, ब्लॉक है, ठीक है। अब आपको इसको बैक करना, तो सबसे पहले कम जगह में अगर गाड़ी हमको घुमानी होती है तो उसके लिए पहले स्टीयरिंग काट लेनी है, फुल स्टीयरिंग काटो, किधर काटोगे, हाँ पूरी फुल काटो, देखो कितने राउंड होते हैं, एकदम फुल फुल कट गई, काटते रहो फुल, नहीं कटी बेटा अभी, और काटो, इधर काटो मेरी तरफ, हाँ और देखो टायर मूव कर रहा है, काटो, फुल कट गई, दिखाओ, छोड़ो एक मिनट, एक सेकेंड, उसमें स्टीयरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, सीधी करो और बस मेरी तरफ सीधी करो, थोड़ा सा और बस, एक मिनट, मुझे लग रहा है शायद स्टीयरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसको पहले गियर में करो, हाँ पहले गियर में करो, जॉब बढ़ाओ धीरे से ब्रेक छोड़ के, हाँ ब्रेक छोड़ो, सीधा जाना है बेटा, हाँ चलो जाओ धीरे धीरे, छोड़ो ब्रेक छोड़ दो, स्टीयरिंग सीधी कर लो, हाँ वापस मेरी तरफ आओ, हाँ स्टीयरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हाँ देख रहे हैं फ्री हो गया है ना, जाने दो, बढ़ाओ धीरे धीरे, अब इसका लॉगो सेट नहीं है, लॉगो सेट करना पड़ेगा, अब ऐसे चलाना पड़ेगा अंदाजे से, ठीक है, जाने दो धीरे धीरे, जाने दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद जो सुबह हल्का सा हुआ था उसी वजह से प्रॉब्लम कर रही है, चलो कोई नहीं जाने दो, क्योंकि अभी जब मैंने घुमाया था ना स्टीयरिंग पूरा घुमा नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग वहाँ से, जाने दो धीरे धीरे, आराम से, हाँ जाने दो, स्लो कर लो, ब्रेक पे पैर रखो, देखो लॉगो आउट हो गया ना, इसका मतलब है कि स्टीयरिंग या तो नीचे से शायद इसकी गराड़ी टूट गई है या तो वो फ्री हो गया है, ठीक है, सीधा जाना है हम लोग को एकदम सीधा, हाँ राइट खोल का, हाँ जाने दो धीरे धीरे, स्पीड कम, जाने दो धीरे धीरे, अभी देखो हाथ हटाओ जरा स्टीयरिंग से, देखो ये लॉगो जो आउट हो गया है ना, ये कारण यही है कि स्टीयरिंग नीचे से या तो मुझे लग रहा लूज हो गया है, ठीक है, या तो इसकी चूड़ी उड़ी कट गई है, एकदम स्लो करके आराम से, तेज नहीं चलाना है, हाँ आराम से, स्पीड नहीं बेटा, स्पीड नहीं, एकदम जितना स्लो चलाओगे उतना सही रहेगा, अब गियर डाउन करो और स्लो करो और स्लो, देखो यहाँ भीड़ भी है, बच्चे भी टहल रहे हैं, जाने दो
जाने दो धीरे धीरे। अभी वहाँ पे स्लोप की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? लेफ्ट में आओ हल्का, इसको निकलने दो ना, इसको निकल जाने दो, स्लो करो। अब गड़बड़ कर दिया आपने, चलो अब जाओ और लेफ्ट आओ, रुकना है यहाँ पे साइड में, और लेफ्ट आओ, और थोड़ा लेफ्ट, और लेफ्ट, स्टॉप करो पूरा क्लच और ब्रेक। अरे शिट, देखा था शीशे में? बहुत गलत बात बेटा, बहुत गलत बात। ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है? हैं, तो ध्यान कौन देगा? जब भी गाड़ी रोकोगे तो सबसे पहले किसकी नज़र जानी चाहिए? आपकी नज़र। जैसे मैंने कहा रोको, तो रोकने के लिए आपको साइड मिरर देखना है। आप अचानक रोक दोगे ना तो पीछे वाला ठोक दे। नहीं नहीं, मैंने तो बोला लेकिन साइड मिरर में देखना आपको चाहिए था ना, ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हैं। आज की बात कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, है ना? तो अभी क्या करना है यहाँ पे, जैसे कई बार ढलान चढ़ाई पे गाड़ी है यहाँ पे स्लोप पे, तो अक्सर क्या होता है कि जब हम गाड़ी बढ़ाते तो हमारी गाड़ी पीछे जाने लगती है, जैसे अभी जा रही है। तो यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा पहले हमको क्लच छोड़ना है, थोड़ा सा क्लच छोड़ो, थोड़ा सा, और बस, और थोड़ा, बस बस हो गया। अब वापस मत दबाओ, इंजन को वाइब्रेट होने दो, और थोड़ा, बस। अब ब्रेक से पैर हटाओ, अपने आप गाड़ी बढ़ जाएगी धीरे धीरे। छोड़ो धीरे धीरे क्लच, एकदम धीरे धीरे। देखो गाड़ी खिसकनी स्टार्ट हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा हमको थोड़ा सा पहले ब्रेक नहीं छोड़ना है, स्टीयरिंग सही से पकड़ो, पहले हमको ब्रेक नहीं छोड़ना, पहले हमको थोड़ा सा क्लच छोड़ना है, ताकि गाड़ी हमारी धीरे से आगे गियर में एक्टिव हो जाए, बस आसानी से गाड़ी बढ़ जाएगी। कभी भी ऐसी स्लोपिंग पे गाड़ी हो तो हमको पहले ब्रेक, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक से पैर हटा लेते तो गाड़ी पीछे खिसकने लगती है। अब ऐसी सिचुएशन में होता है क्या कि गाड़ी पिछली गाड़ी में जाकर टकरा जाती है। कभी भी ऐसी सिचुएशन कभी भी आए तो आपको क्या करना, सबसे पहले क्लच लेके ब्रेक ले लो, गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालो, उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे क्लच छोड़ो, थोड़ा पेशेंस रख के धीरे धीरे क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगे, ठीक है, बस ब्रेक से धीरे से पैर हटाओगे, वापस क्लच दबाओगे तो इंजन फिर फ्री हो जाएगा। थोड़ा सा ब्रेक छोड़ोगे, गाड़ी अपने आप आगे खिसकने लगे। अगर बहुत ज़्यादा ऊंची चढ़ाई तो वहाँ पे हल्का सा एक्सेलेटर ले सकते हो, तो ब्रेक से पैर हटाने का आपको मौका मिल गया, जिससे कि गाड़ी आसानी से आपकी चढ़ सकती है, ठीक है? चलो जाने दो, मैं कह रहा हूँ भगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी आपको यहाँ पे बैक करना, मैं कराऊंगा बैक। अभी स्टीयरिंग का आइडिया तो लग ही गया है ना, लॉगो आउट हो गया तो क्या हो गया। स्पीड कम, हाँ बस रुको यहाँ पे, और थोड़ा नीचे जाने दो, और थोड़ा नीचे जाने दो, हाँ, और लेफ्ट आओ, और थोड़ा लेफ्ट आओ, और लेफ्ट आओ, जाने दो धीरे धीरे, और जाओ धीरे धीरे, बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ धीरे धीरे, हाँ, हल्का राइट रखो, राइट राइट राइट, थोड़ा सा राइट, हाँ राइट और राइट, बस। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अक्सर क्या होता है कि लोग स्लोप की प्रैक्टिस तो करा देते हैं लेकिन रिवर्स में जो स्लोप होता है उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। अक्सर क्या करते हैं, जैसे सामने स्लोपिंग की, लेकिन कई बार रिवर्स में स्लोप होता है। अब जैसे यहाँ पे रिवर्स में, तो क्या करना है, कौन सा गियर डालना है आपको? रिवर्स गियर डालो सबसे पहले बेटा, न्यूट्रल करो ना। हाँ, अभी क्या करना है, जैसे अभी वहाँ पे फ्रंट में स्लोप की प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ बैक में करना है। गाड़ी आप दोनों हाथ से पकड़ो स्टीयरिंग, अभी क्या करना है आपको, थोड़ा सा क्लच रिलीज करना, जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगे बस ब्रेक से पैर, और शीशे में देखो, शीशे में, हाँ, बस गाड़ी धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। बस अब ब्रेक से पैर हटाओ, धीरे धीरे गाड़ी देखो, धीरे 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 वापस आपको यहाँ एक्सेल, ब्रेक मारो नहीं चली जाएगी गड्ढे में, इंजन ऑन करो क्लच दबा के। अब यहाँ पे हल्का एक्सेलेटर की भी ज़रूरत थी आपको, ठीक है? धीरे धीरे क्लच छोड़ो, थोड़ा सा, हाँ छोड़ो, और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे ले जाओ, ले जाओ, हाँ एक्सेलेटर पे, सॉरी एक्सेलेटर पे ले जाओ, हाँ थोड़ा रेस करके रखो, थोड़ा रेस करो, और थोड़ा रेस करो, और धीरे धीरे जाने दो, रेस लेना पड़ेगा हल्का, जाने दो, जाओ जाओ, घबराओ मत, जाने दो, जाने दो, जाने दो, गुड, धीरे धीरे जाने दो, चढ़ गई, जाने दो, जाने दो, और जाने दो धीरे धीरे, हाँ चलो शीशे में देखो, साइड मिरर में देखो आपके अगल बगल कौन आ रहा है, बाइक आ रही, बंदा पैदल आ रहा है, सामने से ऑल्टो आ रही है, जाने दो कोई नहीं, धीरे धीरे जाने दो, और जाने दो, बस रिवर्स में चलने दो ऐसे धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, ऑल्टो निकल रही है आपके बगल से, जाने दो धीरे धीरे, वेरी गुड। ये ढलान पे अक्सर क्या होता है, फ्रंट का तुमको आइडिया हो जाता है, कई बार हिली एरिए पे गाड़ी हमारी जो पार्किंग होती है ना, तो आगे की तरफ ढलान होता है और गाड़ी हमको बैक में निकालनी पड़ती है, ठीक है? इस रोड की चौड़ाई 8 फीट है और आपकी कार की चौड़ाई 5.5 फीट है, साइड मिरर लेके 7.5 फीट, तो ये चीज़ हमको हमेशा आनी चाहिए, दोनों साइड मिरर देखने हैं आपको। हल्का राइट काटो, हाँ बस धीरे 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 धीरे, अब जाने दो धीरे धीरे, समझ में आ रहा है?
जाने दो धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, गुड। और लेफ्ट आओ हल्का, हाँ जाओ स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, हल्का राइट रखो, राइट, हाँ जाने दो। अभी जैसे हमको क्या करना है, यहाँ पे खड़ी गाड़ी काटनी है, रोको अभी बताता हूँ, रोक लो पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, पूरा क्लच ले लो, धीरे से ब्रेक, गाड़ी स्टॉप हो गई। अभी क्या करना है, जैसे सपोज करो पीछे कितनी ज़्यादा किधर जगह है, इस साइड ना, तो अभी आपको बैक गियर में ऑलरेडी है, तो क्या करना है, जैसे कम जगह में काटनी है, लेफ्ट काटो स्टीयरिंग, कन्फ्यूज मत हो, हाँ लेफ्ट काटो, आराम आराम से काटो, और काटो थोड़ा, और काटो, नहीं कट रही, छोड़ो, हाँ कट रही है अभी, धीरे धीरे और काटो, धीरे धीरे, हाँ और काटो धीरे धीरे, और अब जाओ पीछे जाओ, धीरे धीरे जाओ, हाँ ब्रेक छोड़ो, पहले ब्रेक छोड़ो, धीरे 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 जाने दो, जाओ 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 जाओ, मुझे मत देखो, शीशा देखो, आराम आराम से, पीछे है तो नहीं ना कोई, दोनों साइड मिरर, इधर वाले पे ज़्यादा फोकस करो, और जाने दो, 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 और जाओ, और जाओ, और जाओ, और जाओ, स्टॉप। अब गाड़ी नीचे उतर आई पूरी, देखो कम जगह में, जब गाड़ी कभी भी कम जगह में घुमानी हो तो पहले गाड़ी बढ़ाओ मत, पहले स्टीयरिंग पूरी मोड़ लो, ठीक है, उसके बाद गाड़ी को मूव करो, तो कम जगह में, अब पहले स्टीयरिंग सीधी करो, हाँ, और एक राउंड, एक और, एक और, बस ये सीधी हो गई। अब इसको पहले गियर में करूं, बेटा आप तीसरा गियर डाल देते हो, हमेशा गियर न्यूट्रल पे रख के, ठीक है, अब राइट का सिग्नल दो, चलो अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, गाड़ी गियर में एक्टिव करो, क्योंकि यहाँ चढ़ाई है, ढलान है ना, सामने कार आ रही है, ध्यान से हॉर्न बजा दो बच्चा, नहीं बज रहे, चलो भी देखते हैं, बढ़ाओ, जाओ छोड़ो क्लच ब्रेक छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, जाओ 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 जाओ, चलो 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 चलो, जाओ 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 जाओ, राइट काटो, राइट राइट, बढ़ाओ, वापस आओ, लेफ्ट आओ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और लेफ्ट, हाँ लेफ्ट आओ, चलो जाने दो धीरे धीरे, अब हॉर्न बजाओ जरा, चलो बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ हल्का, हाँ साइड दे दो, जाने दो चाचा को, धीरे धीरे निकल जाने दो, परेशान हो रहे हैं, सीनियर सिटीजन को पहले साइड दे दिया करो, ठीक है, हल्का लेफ्ट आओ, हाँ चलो बढ़ाओ, जाओ स्पीड बढ़ाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, जाने दो, बढ़ा लो स्पीड, धीरे धीरे, गुड, ध्यान से मंकी है, ध्यान से दोस्तों, थोड़ा सा स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आने की वजह से प्रॉपर वीडियो शूट नहीं हो पाई, बट इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आता तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मंडे को, जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ कहना चाहोगे आप लोग? सर का चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है सर की वीडियोस में, काफ़ी अच्छा सिखाते हैं, और हो सके तो सर के पास आके ट्रेनिंग लीजिए, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। चलिए, ये तो मुस्कान जी का बड़प्पन है जो मेरी तारीफ़ कर रही हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, बस कर भला तो हो भला।